कहना, फिरोजपुर रोड टॉप 5 पर सिलेंडरों की दुकान में आतिशबाजी, दो अफराद जख्मी, जनरल अस्पताल मुंतकिल, रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। हुकूमत ने पंजाब पुलिस को भी झंडी करा दी, बुनियादी तनख्वाहों में इजाफा सिफर, डेली अलाउंस में 100% इजाफे की सूखी यकीन दहानी, 80% इजाफा आइंदा माली साल के आगाज पर होगा, जबकि बकिया 20% के लिए करना पड़ेगा अगले साल का इंतजार। और पंजाब आवे पाक अथॉरिटी के कयाम में अहम पेशरफ, वजीर आजम ने बोर्ड मेंबरान के नामों की मंजूरी दे दी, गवर्नर पंजाब अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अहमद नवाज सलीम शुमाली पंजाब और फैसल अहमद जुनूबी पंजाब से मेंबर होंगे। कहना, फिरोजपुर रोड टॉप 5 पर सिलेंडरों की दुकान में आतिशबाजी, दो अफराद जख्मी, जनरल अस्पताल मुंतकिल, रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। हुकूमत ने पंजाब पुलिस को भी झंडी करा दी, बुनियादी तनख्वाहों में इजाफा सिफर, डेली अलाउंस में 100% इजाफे की सूखी यकीन दहानी, 80% इजाफा आइंदा माली साल के आगाज पर होगा, जबकि बकिया 20% के लिए करना पड़ेगा अगले साल का इंतजार। और पंजाब आवे पाक अथॉरिटी के कयाम में अहम पेशरफ, वजीर आजम ने बोर्ड मेंबरान के नामों की मंजूरी दे दी, गवर्नर पंजाब अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अहमद नवाज सलीम शुमाली पंजाब और फैसल अहमद जुनूबी पंजाब से मेंबर होंगे। कहना, फिरोजपुर रोड टॉप 5 पर सिलेंडरों की दुकान में आतिशबाजी, दो अफराद जख्मी, जनरल अस्पताल मुंतकिल, रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। हुकूमत ने पंजाब पुलिस को भी झंडी करा दी, बुनियादी तनख्वाहों में इजाफा सिफर, डेली अलाउंस में 100% इजाफे की सूखी यकीन दहानी, 80% इजाफा आइंदा माली साल के आगाज पर होगा, जबकि बकिया 20% के लिए करना पड़ेगा अगले साल का इंतजार। और पंजाब आवे पाक अथॉरिटी के कयाम में अहम पेशरफ, वजीर आजम ने बोर्ड मेंबरान के नामों की मंजूरी दे दी, गवर्नर पंजाब अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अहमद नवाज सलीम शुमाली पंजाब और फैसल अहमद जुनूबी पंजाब से मेंबर होंगे।